बहुत पहले की बात है, मधुपुर गांव में एक किसान का इकलौता बेटा कान्हा था। कान्हा लंगड़ा था, इसलिए वो खेती बाड़ी का काम नहीं सीख पाया। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और कोई भी अनाज नहीं उगा। पिताजी, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे? तुम तो जानते ही हो कि साल सूखा पड़ गया है, थोड़ा भी अनाज नहीं उगा है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी बेटा। लेकिन कैसे पिताजी? शहर जाकर काम ढूंढो, कल ही ऊपर वाले का नाम लेकर चले जाओ मेरे बेटे। लेकिन पिताजी, मैं तो अच्छी तरह से चल भी नहीं पाता हूँ, मुझे भला कौन काम देगा? कोई ना कोई तो जरूर काम देगा, अब तुम यही कोशिश करो। समझ गए बेटे? अगली सुबह कान्हा घर से शहर के लिए निकल गया। वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो चलते चलते थक चुका था। चलते ही वो हाँफने लगा और उसकी हिम्मत टूटने लगी और हताश होकर वो ऊपर वाले को याद करने लगा। हे ऊपर वाले, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने क्या पाप किया था? अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? जवाब दो मुझे। अरे अरे बेचारा कान्हा, लेकिन इसकी मदद करने से पहले इसकी एक परीक्षा ले लेती हूँ। अरे ये क्या, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? क्या करूँ बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, हर रोज लकड़ी काट कर मैं इन्हें लेकर जा नहीं पाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, अब से आपका ये काम हर रोज मैं कर दिया करूँगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है बेटा। कुछ भी देने की जरूरत नहीं माँ जी, बस थोड़ा खाना और रहने दे दीजिएगा। इसके बाद कान्हा उस बूढ़ी औरत के पास लकड़ी काटने का काम मन लगाकर करता था। एक महीना गुजरने के बाद वो बूढ़ी औरत समझ गई कि कान्हा बिल्कुल निस्वार्थ इंसान है। अरे ये क्या, मेरे पैर ठीक हो गए, वाह, ये कैसे हुआ, आखिर कैसे? मैंने तुम्हारा पैर ठीक कर दिया बेटा। आपने? आपको ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? कान्हा, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं परियों की रानी हूँ, तुम अपनी दो इच्छा बताओ और मैं उन्हें पूरा कर दूंगी, ठीक है? क्या मांगू, आप मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए ताकि कि जिसकी मदद से मेरी सारी परेशानी का समाधान हो जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर ये लो, इस पोटली को रखो, ये जादुई पोटली है, तुम्हें जो भी मन करे मेरी पोटली से ले जाओ। ऐसा बोलते ही तुम्हें ये सब मिल जाएगा इस पोटली से, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारी दूसरी इच्छा बताओ। मुझे एक डंडा दे दीजिए, मैं उस डंडे से जो भी बोलूं वो वही करे। ठीक है, ये रही तुम्हारी लाठी, ये लाठी अब से सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। बहुत भूख लगी है, पुलाव, दही, रबड़ी, लड्डू मेरी पोटली से ले आओ। अरे वाह, कुछ ही दूरी पर उसे शहर दिखाई पड़ा। कान्हा ने निश्चय किया कि वो उसी शहर में जाएगा। उसके लिए उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत थी। पोटली के रहते कान्हा को किसी बात की चिंता ही नहीं। इन कपड़ों में अगर शहर गया तो कोई भी मुझे भाव नहीं देगा। एक काम करता हूँ, पोटली से कपड़े मांगता हूँ, हाँ राजकुमार वाले कपड़े। मुझे
मुझे एक बढ़िया सा कमरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रघु, मेहमान को जरा एक अच्छा सा और बढ़िया कमरा तो दिखा। ये जो नया मेहमान है, इसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कि जरूर कोई राजकुमार है। इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, इसके ऊपर नजर रखनी होगी। अब मैं शहर देखने जाऊंगा, मुझे तो पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। पोटली से जितने पैसे मांगूंगा मुझे उतने मिल जाएंगे। 1,000 रुपए मेरी पोटली से आ जाओ। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब है ये पोटली हटानी पड़ेगी, उसके बाद जितना पैसा मुझे चाहिए मिल जाएगा। हाँ यही लेके जाऊंगा। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? मैंने तो यही तकिए के पास रखी हुई थी। नहीं, कहीं भी नहीं है। जरूर वो पोटली किसी ने चोरी की है। रुक जाओ, अभी मजा चखाता हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो इंसान चोरी करना ही भूल जाएगा। ए मेरे डंडे, जिसने भी मेरी पोटली चोरी की है उसे मारते मारते मेरे पास ले आओ। अरे बाप रे, मर गया, मैं तो मर गया। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। दे दूंगा, अरे बोला ना दे दूंगा। अच्छा हुआ, एक ही शर्त पे बचाऊंगा, पहले मेरी पोटली वापस दो, वरना ये मारना बंद नहीं करेगा, तक मैं ना कहूँ ये मारते रहेगा। अरे रुको, मैं दे रहा हूँ, अरे रुको। अच्छा, ठीक है, डंडे रुक जाओ। ये लो तुम्हारी पोटली। अगर फिर से किसी के पैसे चोरी किए तो डंडे का खेल फिर से शुरू हो जाएगा, याद रखना। 50 साल बीत चुके थे, कान्हा 70 साल का हो चुका था। इतने सालों में उसने प्रतापगढ़ शहर में बहुत सारे लोगों की बहुत मदद की। उसने अनाथ आश्रम भी बनवाया, उसके बाद अस्पताल भी बनवाया। गरीब लोगों की भी मदद कान्हा ने की और जितना हो सके उतना दान भी किया। अपनी जिंदगी में तो मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। परी से मिलकर मैं ये डंडा और ये पोटली उन्हें लौटा देता हूँ। मेरे मरने के बाद अगर ये सब किसी और के हाथ लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा और किसी की जिंदगी जरूर खराब हो जाएगी। हाँ, जाता हूँ परी के पास, अभी जाता हूँ मैं। बहुत देर हो गई है और परी भी अब तक नहीं आई है। तो तुम कौन हो? क्या तुम्हें रानी परी ने भेजा है? नहीं, मैं यमदूत हूँ, यमराज ने मुझे भेजा है तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी परी से मिले बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं, बस मुझे आज के दिन का समय दे दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। हम लोग किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं देते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। हे यमदूत, आओ मेरी पोटली में आ जाओ। अब आया ना पकड़ में। अब मेरे डंडे, तुम जरा यमदूत की अच्छे तरीके से सेवा कर दो। हाँ,
जरा अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी सेवा करो। अरे बाप रे, मैं किसके प्राण लेने आ गया हूँ, ये तो मुझे ही मार रहा है। अरे नहीं, अरे कोई है, मुझे बचाओ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, एक ही शर्त पर बच सकते हो, रानी परी से मिलने के पहले मैं नहीं मरूंगा, समझे तुम? अरे वही होगा, वैसा ही होगा। अरे रुक जाओ, अब रुक जाओ। अच्छा डंडे, रुक जाओ, अब रुक भी जाओ। अरे पोटली, तुम यमदूत को बाहर आने दो, छोड़ो उसे। ठीक है, तो फिर मैं तब तक अपना दूसरा काम निपटा कर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कान्हा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी भर इंसानों की भलाई की है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भी वापस लौटा सकती हूँ, मैं तुम्हें मौत से भी बचा सकती हूँ कान्हा। नहीं रानी परी, नहीं, ये ठीक नहीं है, जीवन का नियम तोड़ना सही नहीं है। ये लीजिए आपकी पोटली और ये डंडा। ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब मेरी जिंदगी से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पा लिया। यमदूत जी चलिए, अब यमपुरी ही चलते हैं हम।